गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी आई डोंट लाइक माई हेयर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द साउंड्स मेकिंग वर्ड्स विद आई एंड ई. सो फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड द वर्ड्स अलाउड. When there is a I word in the end of any word, it is silent. Suppose आपके पास एक word है and the word is that make. The word is that make. So here E is silent. म एक. So E ने अपनी power है A को दे दी है. So E क्या हो गया, silent, and A becomes लेटर ए. इसकी साउंड नहीं बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे हम, ये इसका लेटर नेम बोलेंगे. ओके, सो दिस इज अ रूल. सो नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फिल इन दैट साउंड्स. नाउ लुक एट दिस, देर इज अ ट्री एंड विच ट्री? दिस इज पाइन ट्री. प आई सो यहाँ ई लेटर है वो अपनी साउंड नहीं दे रहा है, इट इज साइलेंट. और जो आई लेटर है उसका लेटर नेम बोल रहे हैं हम, प आइन. नेक्स्ट वन इज नाइन. नंबर क्या है? नाइन. न आई न. ई ऐड करेंगे, स्पेलिंग राइट करेंगे तो ई को ऐड करेंगे, बट इसके साउंड कुछ नहीं है इधर. नेक्स्ट वन इज बाइक. ब आई क. सो ई ऐड कर देंगे बट इसका कोई साउंड नहीं है, साइलेंट है ये. नेक्स्ट वन इज टाइम. ट आइम. टाइम. सो ई ने अपनी पावर किसको दे दी है? आई वोल को दी है. सो इट बिकम्स नॉट ई, इट साउंड इज आई, उसका लेटर नेम. नेक्स्ट वन इज काइट. क आई ट. ई लेटर ऐड करेंगे. राइस. नेक्स्ट वन इज राइस. नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज राइस. र आइस. राइस. ओके, सो इन दिस हेयर सी एंड ई लेटर गिव द साउंड स. तो यहाँ पे सी लेटर है वो स साउंड दे रहा है. ओके, नेक्स्ट वन, देयर इज अ क्वेश्चन टू ऐड द लेटर ई टू मेक आई ई वर्ड्स देन रीड द वर्ड्स अलाउड. अब यहाँ पे बिट है, देयर इज अ बिट. व्हेन वी ऐड ई लेटर इन द एंड ऑफ द बिट इट गिव द साउंड बाइट. अब ये यहाँ बिट था, अब यहाँ पे क्या हो गया, बाइट हो गया. बिकॉज देर इज इन द एंड देर इज ई लेटर और ई ने क्या किया है, अपनी पावर आई लेटर को दी है. सो आई लेटर की साउंड होगी आई, इसकी साउंड नहीं, उसका लेटर नेम बोला हमने. तो बाइट, बाइट होता है काटना, बिट भी काटना होता है. किट है. सो व्हेन वी ऐड ई लेटर इट बिकम्स काइट. नेक्स्ट स्पिन, स्पाइन. ओके, स्पिन होता घूमना और स्पाइन. सो व्हेन वी ऐड ई लेटर इन द एंड ऑफ दीज वर्ड्स इट्स मीनिंग विल एंड स्पेलिंग विल चेंज. अब यहाँ पे बिट था सो बाइट हो गया. ओके, अब क्या हुआ, किट था काइट हो गया. किट होती है जिसमें हम छोटी किट होती है, छोटे स्मॉल पर्स होता है जिसमें हम अपने मनी डालते हैं, और काइट तो आपको पता ही है, पतंग होता है काइट. स्पिन, स्पिन होता है घूमना, जैसे टॉप है वो स्पिन करता है ना, घूमता है. और स्पाइन हो गया कांटा. ओके, सो मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही चेंज हो जाती है व्हेन वी ऐड आई लेटर, सॉरी ई लेटर इन द एंड ऑफ एनी वर्ड. ओके, सो स्टूडेंट आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वॉच इट केयरफुली. आफ्टर दैट यू हैव टू कम्प्लीट दिस वर्कशीट S3 ऑफ ब्लॉक 14 इन इंग्लिश.